Luis. Un mese e cacita da te. Or i guanyant torce amb ritme de l'altre. I guanyant. इनको मैंने एक आज आप बगैर एक आप पार्टी आप एक सिरे से एक सफ़े से आखिरी सफ़े तक चला और ऐसा करें कि जहां आपको दुश्वारी पेश आ रही है उस चीज को हैरानी करें घबराएं नहीं परेशान ना उलझन आ रही है तो घबराएं नहीं परेशान ना जब आप आखिरी सफे पर पहुंचेंगे तो अहम मुमकिन है कि आपके जहन में जो शुभार जो उलझने हैं वो ऑलरेडी दूर हो चुके हों किसी अगर नहीं हो तो दोबारा पढ़ेंगे दोबारा कोशिश कर लीजिए और अगर दूसरी दफा और तीसरी दफा में भी ना हो तो फिर जिस शख्स पे आपका एतमाद है कि उस वो आपको सही बात बता सकता है उससे जाके पूछ लीजिए और उसके बाद अब आप पर मुनासिब है कि आप अपना क्या डिसीजन लेते हैं कि इस पैगाम से अपने आप को जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते ये आपका अपना फैसला है तो यही बात मैं मुसलमान अपने तालिब इल्मों से भी कहता हूं कि आप ऐसा करें कि तब तो आप पढ़ते चले आए हैं अरबी के साथ आप ऐसा कीजिए कि तसलसल से पढ़ लीजिए कुरान अपनी जबान लेकिन जब आप एक जबान से दूसरी जबान में जाएंगे तो आपका तसलसल और आपका फोकस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अब आपने पढ़ लिया तो उसी वही तरकीब इस्तेमाल कीजिए कि जहां जहां आपकी दुश्वारी आ रही है उसकी आयात उस अलग लिख लीजिए आखिरी सफे तक पहुंचने तक बहुत सारी दुश्वारियां बहुत सारे सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा नहीं मिला दोबारा पढ़ लीजिए तीसरी दफा पढ़ लीजिए और जब आप कोई ये इत्मीनान हो जाए कि हाँ अब मेरी समझ में इसका मफहूम आ गया है तब आप उसको अरबी के साथ पढ़ें तब उसको अरबी के साथ पढ़ें इफ़हाम की बात है वैसे तो आप कुरान नमाज में अरबी पढ़ते हैं वो जारी रखिए वैसे तो आप अलग से अगर पढ़ना चाहें कुरान को अरबी में वो भी पढ़ते रहिए लेकिन इफ़हाम और तफ़हीम की बात है और इस सिलसिले में बेहतर बात यह है कि जिस शख्स पे आपका एतमाद हो के उस के अंदर अल्लाह ने सलाहियत दी है कि उसने कुरान को समझा है उससे मशवरा करते रहिए उससे बात करते रहिए उससे पूछते रहिए और कि मैं इस मरहले पे हूँ आपका क्या कहना है आपको देखना है तो बहुत रास्ता आसान हो जाता है बहुत रास्ता आसान होने के बाद होता यह है कि जब हम किसी चीज को ओन करने लगते हैं तो फिर ये हमारा जिंदगी का मिशन बन जाता है कि हम उसमें कोई खोट न लाने आने में और इसको सही तरीके से आप ये देखिए कि जो लोग टिप से वापस हैं जब वो अपने तिब्बी फराइज अंजाम देते हैं तो इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि वो उन्हीं हकायक और ठोस बुनियादों के ऊपर मरीज की तशखीस करें जो उनके इल्म में उनके से बात की बुनियाद पर बात नहीं करते तो जब हम कुरान पढ़ के उसको ओन कर लेते और इस सिलसिले में अल्लामा इकबाल ने बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कहा था कि कुरान को ऐसे पढ़ो जैसे कि ये तुम पे नाज़िल हुआ है तो जब आप कुरान को इस तरह से पढ़ेंगे कि ये आप पे नाज़िल हो रहा है ये आप पे नाज़िल हुआ है तो आपकी कैफियत बिल्कुल मुख्तलिफ और ये बात उन्होंने बड़े दिलचस्प उस वक्त कही थी जब वो पढ़ा उन्होंने वला तकूनू कल्लज़ीन नसू अल्लाह फ़ानसा देखो उन लोगों की तरह से ना हो जाना जिन्होंने अपने आप को भुला दिया इसलिए उन्होंने अल्लाह की वही को भुला दिया तो अगर हम में ये कैफियत पैदा हो जाए हम में से हर शख्स में तो हमारी जिंदगी बदल जाएंगी हमारे अंदाज बदल जाएंगे और अल्लाह ताला की नसरत हमारे साथ और अगर हमें ये नबी किया तब भी वो
जो रब की हैसियत से उसने जिन चीजों की जिम्मेदारी ली है वो तो पूरा करेगा, वो हमें महरूम नहीं करेगा इस बुनियाद के ऊपर कि हम उसको मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं। तो कुफार को भी हमसे कहीं ज्यादा दे रहा है, जो लोग उसकी वही को नहीं मानते उनको हमसे कहीं ज्यादा नवाज रहा है। तो इसका ताल्लुक उससे नहीं, उसने तो कहा है कि वो तो रज़ाक है, उसने कहा है कि वो सबकी खबर यही करेगा, वो तो पूरी कायनात को देखने वाला है। लेकिन उसमें होगा ये कि हम अपने अमल और अपने फेल से न सिर्फ अपने आखिरत को संभाल लेंगे बल्कि अपने साथ उन हजार और करोड़ों लोगों की आखिरत को भी संभालने का जरिया बन सकते हैं जो अभी तक वो ये इलाही से महरूम है। इसलिए कि हमारे अलावा जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया, किसी के पास वो किताब नहीं है जो अल्लाह के अल्फाज सही अल्फाज में मुश्किल हो, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर हम अपनी जिंदगियों से और अपने अमल से और तौर से दूसरों तक वो वही इलाही ना उसको शेयर करें ना उसको पहुंचाएं तो हम कितनी बड़ी कोताही का मुर्तकिब हो रहे हैं और कितने लोगों को उस अंधेरे में रहने के लिए हम मजबूर कर। तो ये एक चीज है जो हम कर सकते हैं अपनी जिंदगियों में और उसके असर आप देखेंगे कि खासे जहां जहां लोगों ने ये हिम्मत अपनी अपनाई है, जहां जहां ये काम कर रहे हैं वहां खासी बड़ी तादाद जो है वो इस्लाम से मुतासर हो रही है। यानी आप ये समझिए कि अपने मैं 1987 में अमरीका गया था, उस वक्त अमरीका में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जो जज्बात पाए जाते थे उनको वो तकरीबन 82% लोग इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ थे। 82% इस 30 सालों में मुसलमानों ने जो कुछ भी किया उसके नतीजे में वो 82% घट के 27% रह गए कि उनके नेगेटिव जज्बात जो है वो खत्म हो रहे हैं। और तकरीबन हर रोज ही मैं ही नहीं बल्कि बेश अक्सर लोग वहां पर जो इन कामों से वाबस्ता है उनके पास ईमेल्स भी आती हैं, उनके पास लोग भी आते हैं जो उनसे सवाल करते हैं और बहुत सारी उलझनों को दूर करने की कोशिश करते हैं। और ये भी है कि मुख्तलिफ इदारों में बाकायदगी से इस्लाम को समझने की कोशिश की जाती है और मुसलमानों को बुलाया जाता है कि वो बताएं और एक्सप्लेन करें कि इस्लाम क्या है। तो अगर हम कोशिश करेंगे और अपनी जिंदगियों को भी अपने अकवाल के सबूत से पेश करेंगे तो उसके नतायज अच्छे नहीं कर सकते। ये कुरान करीम जो है वो दुनिया संवारने के लिए आए जी, आखिरत समझना उसके बाद की बात। देखिए अल्लाह ने कहा कि जो इस दुनिया में अंधा है वो आखिरत में भी अंधा होगा, जिसकी दुनिया नाकाम हुई उसकी आखिरत भी नाकाम हुई। बालफा से निकल इस दुनिया में इस जिंदगी में हमें एक लम्हा दिया गया है, एक मौका दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमसे कुरान में कहा है خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا۔ اس نقطے کو سمجھ لیجیے آپ، یہ زندگی اور موت کا سلسلہ اس لیے قائم کیا گیا ہے لیبلوکم ایوکم احسن عملا، تاکہ تم پر یہ بات واضح ہو جائے کہ تم میں سے اچھے کام کرنے کی صلاحیت کس میں ہے۔ عام طور سے اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ تمہارا امتحان ہے۔ میں اس سلسلے میں عبداللہ مبارک پوری اور ابن حزم اور کشاف کے اس رائے سے متفق ہوں کہ اللہ رب العزت میری حیثیت کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اللہ رب العزت یہ بہتر جانتا ہے کہ مجھ میں کس چیز کی صلاحیت ہے اور کس کی صلاحیت نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میری صلاحیت کیا ہے،
और जब तक मैं हालात से नहीं गुजरूंगा मुझको अपनी सलाहियत का एहसास नहीं होगा. अल्लाह को तो हमेशा मालूम है कि मैं कहां रो दूंगा, कहां गिर जाऊंगा, कहां पीछे हट जाऊंगा, लेकिन मुझको नहीं मालूम. तो जब मैं इन हालात से गुजरता हूं तो मुझ में खुद एतमादी पैदा होती है और मुझ में यह हौसला पैदा होता है कि हां मैं इस काम को कर सकता हूं. خلق الموت والحیات ليبلوكم ايكم احسن عملا, تاکہ تم ہی کو معلوم ہو جائے تم میں اچھے کام کرنے کی صلاحیت کتنی ہے. تو دنیا ہم اسی وقت سوال کریں گے جبکہ ہم کو قرآن کی آیات اور قرآنی ہدایات کی بنیاد کے اوپر عمل کرنے کی توفیق. اسی طرح سے اللہ رب العزت کی بات کیوں نہیں کیا جاتا. دیکھیے, ایک تو یہ مفروضہ کہ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہے کہ قرآن اس سے کس چیز کا متقاضی ہے, اس کی خاندانی زندگی میں, اس کی آئلی زندگی میں, اس کی ذاتی زندگی میں, کس طرح سے وہ اپنے تعلقات کو ایک دوسرے سے رکھے, کس طرح سے وہ اپنے تعلقات کو بہتر بنائے کائنات کے کن چیزوں سے. یہ وحی الہی کے ذریعے چیزیں حاصل ہوتی ہیں, اور اگر ہم وحی الہی کو نہ پڑھیں اور وحی الہی سے ہم مستقل ربط نہ رکھیں تو ہمیں یہ چیزیں معلوم نہیں ہوں. ہماری آبادی کا 46% ابھی بھی لکھنے اور پڑھنے سے محروم ہے. ہماری آبادی کی کثیر 83% آبادی عربی زبان کو پڑھنے سے قاصر ہے. آپ ان چند افراد کے اوپر نہ دیکھیے جنہوں نے کہ قرآن کو ناظرے سے پڑھا ہے, آپ ان دیہی علاقوں میں جا کے دیکھیں جہاں پر کہ تعلیم ناپید ہے اور قرآن کی تعلیم تو اور زیادہ. آپ افریقہ, خود ہندوستان, خود پاکستان, خود افریقہ کی جگہوں کے اوپر چلے جائیں. میں 1980 میں اڑیسہ اور چھتیس گڑھ, تو خیر چھتیس گڑھ ہو گیا ہے, وہاں کے بارڈر کے اوپر بھیل قبیلہ رہتا ہے, وہاں گیا تھا ایک ریسرچ کے سلسلے اپنے ادارے کی طرف سے. وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جلوس نکال رہے ہیں, تلک دھاری ہیں, ڈھول بازے بجا رہے ہیں, اور بیچ میں ایک بگھی کے اوپر ایک مسند رکھی ہوئی, اس مسند کے اوپر ایک کتاب رکھی ہوئی, اس کتاب پہ وہ پنکھا چلتے ہوئے جا رہے ہیں. تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ تو سکھوں سے یہ لوگ تعلق رکھتے ہیں یا پھر کچھ اور ہندوؤں کا قبیلہ ہے. کسی نے مجھے یہ بتایا بعد میں, یہ جلوس گزر گیا, یہ بھلائی قبیلہ ہے اور یہ قبیلہ کسی زمانے میں مسلمان ہو گیا. بھلائی قبیلہ ہے, نام بھی اس کا بھلائی رکھ دیا تھا اس لیے کہ وہ بھیل تھے, لیکن بھلائی ان کو اس لیے کہہ دیا گیا تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے. اور ان کے پاس جو کتاب ہے یہ ان کی مقدس کتاب ہے. تو میں دوسرے دن ان کے اس کے پاس گیا, سرپنچ جو بھی ہوتے ہیں, پوچھنے کے لیے کہ یہ کتاب کیا ہے اور کیا نہیں ہے. وہ کتاب کیوں پرانی ہو چکی ہے؟ ان میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو اس کو پڑھ بھی سکے, ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہ تھا جو یہ بتا سکے کہ مسلمان ہونے کے معنی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پورک ہم کو یہ کتاب چھوڑ گئے تھے اور سال میں 3 دفعہ ہم اس کتابوں کو نکالتے ہیں اور اس کی نمائش کرتے ہیں, پھر اس کی شکل. تو پھر میں نے آ کے مولانا ابو الحسن علی ندوی اس زمانے میں حیات تھے, ان سے اس کا تذکرہ کیا اور ان کو بتایا کہ یہ واقعہ ہے, آپ ان لوگوں کے نام بھی دیے, پتے بھی دیے کہ آپ ان لوگوں سے رب قائم کریں. تو یہ کیفیت ہے مسلمانوں کی. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم ایک طرف غیر مسلموں تک اپنی بات پہنچائیں, وہاں یہ بھی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کو بھی اسلام کی طرف لے کے آئیں, اور اس طرح سے لے کے آئیں تو علم کا ذوق پیدا ہے. جی,
देखिए कुरान इब्तदाई दौर में ये समझिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से 80 दिन पहले तक कुरान नाज़िल होता रहा। 80 दिन कब आखिरी आयत नाज़िल हुई ये हमको बताया जाता है। इब्तदा कुरान 7 मंजिलों में पढ़ा जाता है। तरतीब तो अल्लाह के रसूल ने मुतय्यन कर दी, उसी हिसाब से पढ़ा जाता था। उसके बाद ये रुकू उसके अंदर आए और उसके बाद फिर ये समझ लीजिए कि 150 साल के अरसे में कुछ लोगों ने, हमारे अइम्मा ने ये मुनासिब समझा कि कुरान को अगर बेहतर ये रोल इस तरह से पढ़ा जाए कि 30 दिन में वो मुकम्मल हो जाए, तो उन्होंने उसको 30 से 12 में तकसीम। लेकिन ये तकसीम जो थी ये मैकेनिकल तकसीम, ये तकसीम जो है यानी तरतीब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और तरतीब जो है वो सूरतों के लिहाज से है। सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा से लेकर आखिर तक की तरतीब उस मुनासबत से, उस मुनासबत से नहीं है जिस मुनासबत से कुरान नाज़िल हुआ। तो उस तरतीब से, जिस तरतीब से लिखा था, हम पढ़ तो उसी तरतीब से रहे, उस तरतीब में कोई फर्क नहीं। बस इतना हो गया है कि अपने ज़हनी उसके लिए सुकून के लिए कि 7 के बजाय हमने 30 तक जगह मुस्तकिल कर दिया, तकसीम कर दिया। ये इस तरह से हम हमने कुरान से जुड़ने की जो एक अन्ना कोशिश की है रब्बुल इज्जत, अगर उसमें भलाई और खैर है तो रब्बुल इज्जत हम कर दे और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब में इस बात की तौफीक पैदा करके हम कुरान को सही तरीके से समझ सकें और उस समझने के बाद उस पर अमल कर सकें। रब्बुल इज्जत हमें आपस में जो इख्तलाफात मुख्तलिफ वजूहात और मुख्तलिफ दुनियात पे हो गए हैं उनको दूर फरमा और हमें इतनी सलाहियत और इतनी वसत पैदा कर कि हम उन इख्तलाफात के साथ साथ अपने दीन को बरकरार रख सकें और तेरी सही तरीके से इबादत कर सकें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ये सलाहियत पैदा कर कि हम तेरे दीन को न सिर्फ अपनी ज़िंदगी में दाखिल करें बल्कि तेरे दीन और तेरी वही उन लोगों तक भी पहुँचाने में कोशिश करें जो इस बेदीन से और इस वही से महरूम है। रब्बुल इज्जत हम से इस बात की इस्तदा करते हैं कि इस शहरी में नहीं बल्कि इस कायनात के हर इंसान हर शय पे अपनी रहमत नाज़िल फरमा रब्बुल इज्जत और अपनी रहमत से हर एक को हिदायत अता फरमा और हर एक को सीधे रास्ते पे लाने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल इज्जत इस में अमन कायम कर, हमारे घरों में अमन कायम कर, हमारे घरों में मोहब्बत और खलूस और रहमत कायम कर, हमारे शहरों में इस किस्म की कैफियत पैदा फरमा। रब्बुल इज्जत जो इख्तलाफात कौमों में और जो इख्तलाफात गुरुओं में हो गए हैं रब्बुल इज्जत उनको दूर फरमा और हम सबको बेहतर कर, हमें अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए इस दुनिया को भी बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमा। यहाँ पर भी हम एक कामयाब जिंदगी गुजार सकेंगे तेरी वही के मुताबिक हो और आखिरत में भी रब्बुल इज्जत हम उसका सिला मिले। रब्बुल इज्जत हमसे जो कोताहियाँ हुई, जो गलतियाँ हुई, जो गुनाह हमसे हुए उनको माफ़ फरमा और हमको इस बात का एहसास दिला कि हमसे बाकी वो गलतियाँ हुई हैं ताकि हम उस पर अपनी दावत का इजहार करें और उनसे तायब हों ताकि आइंदा हम उन गलतियों को दोहराएं। रब्बुल इज्जत जो लोग भी तेरी राह में सिर्फ दिली के साथ और खलूस के साथ आगे बढ़ रहे हैं उनकी मदद फरमा, उनका साथ दे। रब्बुल इज्जत लोगों के रिस्क और लोगों के कारोबार में हलाल तरीके से बरकत फरमा। रब्बुल इज्जत हमको हराम कमाई से हमेशा महफूज रख। रब्बुल इज्जत को हराम कमाई से हमेशा महफूज रख। हमसे हमारी जिंदगी में जो कोताहियाँ हुई हैं रब्बुल इज्जत
उनको दूर फरमा, हमारी लखनिशों को दूर फरमा रब्बुल इज्जत, और हमारे घरों को रब्बुल इज्जत बेहतर से बेहतर ताल्लुकात की बुनियाद बना, उनका इदारा बना रब्बुल इज्जत, ताकि हम पुरसकून जिंदगी गुजार सकें. ہماری اولاد کو اور ہماری نئی نسل کو دین کو چلنے کی توفیق عطا فرما, اس کے ایمان کو محفوظ رکھنے کی قوت عطا فرما رب العزت, اس کو ایمان کے صحیح تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العزت ہمارے مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں ایک دوسرے سے کھول دے, اس میں محبت بھر دے. رب العزت ہمیں اتفاق پیدا کر, ہمیں اتحاد پیدا کر, ہمیں سے برائیوں کو دور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.